गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बजट 2023 पेश हो चुका है, जिसमें इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या क्या है वो चेंजेस, जानेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस बजट को समझने से पहले आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम और नए टैक्स रिजाइम में क्या फर्क है, क्योंकि बजट के मुताबिक मैक्सिमम बेनिफिट्स न्यू टैक्स रिजाइम में दिए गए हैं। सो आपके लिए दोनों का फर्क जानना बेहद जरूरी है। साथ ही हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेंगे, जिससे ये पता लग जाएगा कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि बजट 2023 के मुताबिक हमारी टैक्स स्लैब्स क्या होगी न्यू टैक्स रिजाइम में। तो पहले 0 से लेकर 3 लाख तक न्यू टैक्स रिजाइम में कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं नेक्स्ट 3 से 6 लाख तक आपको 5% के हिसाब से टैक्स अदा करना पड़ेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। पर यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी नेट इनकम 5 लाख तक की है तो हमें कोई भी टैक्स अदा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सेक्शन 87A में हमें रिबेट दिया जाता है कि अगर हमारी नेट इनकम 5 लाख तक की है तो हमसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब इस बजट 2023 में बताया गया है कि न्यू टैक्स रिजाइम, याद रखिएगा, न्यू टैक्स रिजाइम में अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख तक की है तो आपसे कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि 87A की रिबेट न्यू टैक्स रिजाइम के केस में 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। थर्ड स्लैब है 6 लाख से 9 लाख तक का, जिसमें आपको 10% के हिसाब से टैक्स पे करना है न्यू टैक्स रिजाइम में। फोर्थ स्लैब आता है 9 लाख से 12 लाख तक का, जिसमें आपको 15% के हिसाब से टैक्स देना होगा न्यू टैक्स रिजाइम में। फिफ्थ स्लैब है 12 लाख से 15 लाख का, जिसमें आपको 20% के हिसाब से टैक्स देना है न्यू टैक्स रिजाइम में। एंड लास्ट स्लैब है अबव 15 लाख वालों का, जिसमें आपको 30% का टैक्स लगेगा। ये तो थी नई टैक्स रिजाइम की बातें। अब अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम की बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 20% का टैक्स एंड 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स। अब अगर स्लैब को देखा जाए तो देखने में न्यू टैक्स रिजाइम ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, पर न्यू टैक्स रिजाइम में एक दिक्कत है। क्या है वो दिक्कत? न्यू टैक्स रिजाइम में मैक्सिमम एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 80C न्यू टैक्स रिजाइम में 80C का डिडक्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपने भी 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि LIC या फिर PPF वगैरह में, तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजाइम में। वहीं अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है घर के लिए, तो उसके इंटरेस्ट के पेमेंट पर भी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन 24B में न्यू टैक्स रिजाइम में। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इनकम फ्रॉम सैलरी है 12 लाख की। मिस्टर एक्स के सैलरी से 2500 का प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किया गया है। साथ ही मिस्टर एक्स ने LIC में 1,50,000 का निवेश किया है। इसके साथ मिस्टर एक्स ने एक हाउसिंग लोन ले रखा है, जिसका इंटरेस्ट का पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2 लाख का करा है। इसके अलावा मिस्टर एक्स ने अपने और अपने पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, जिसका प्रीमियम उसने 50,000 रुपये पे करा है। और साथ ही मिस्टर एक्स ने NPS में भी 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। मिस्टर एक्स के सेविंग बैंक अकाउंट से 8,000 रुपये का इंटरेस्ट भी क्रेडिट हुआ है। तो अगर मिस्टर एक्स की टैक्स लायबिलिटी ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम में कैलकुलेट करें तो वो कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी 12 लाख रुपए की, बोथ ओल्ड एंड न्यू रिजाइम में। फिर उसमें से डिडक्ट होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दोनों टैक्स रिजाइम में। फिर 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन भी मिलेगा दोनों टैक्स रिजाइम में। सो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम में हो जाएगी 11,47,500 रुपए की। अब आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मिस्टर एक्स ने जो 2 लाख की इंटरेस्ट पेमेंट की है, उसका बेनिफिट
सेक्शन 24B में सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में दिया जाएगा, न्यू टैक्स रिजाइम में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओल्ड रिजाइम में -2 लाख है एंड न्यू टैक्स रिजाइम में नील है। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सो बोथ ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजाइम में 8,000 रुपए का सेविंग बैंक इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम ओल्ड रिजाइम में 9,55,500 है, वहीं न्यू टैक्स रिजाइम में 11,55,500 होगा। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम आ जाते हैं डिडक्शंस के तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स रिजाइम में डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, तो मिस्टर एक्स के डिडक्शंस सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में कंप्यूट होंगे। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम की 9,55,500 की GTI से हम 80C का डिडक्शन 1.5 लाख का क्लेम करेंगे। वहीं 80CCD में 50,000 का NPS के पेमेंट को क्लेम करेंगे। इसके बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस अपने और अपने पेरेंट्स का मिस्टर एक्स ने पेड करा है, वो हम 80D में क्लेम करेंगे 50,000 रुपयों का। और लास्ट इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट में 10,000 तक का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80TTA में। तो मिस्टर एक्स को 8,000 का डिडक्शन 80TTA में भी मिलेगा। सो मिस्टर एक्स की नेट इनकम ओल्ड टैक्स रिजाइम में आती है 6,97,500 एंड वहीं न्यू टैक्स रिजाइम में 11,55,500 रुपए की। सो अगर टैक्स कंप्यूट करें ओल्ड टैक्स रिजाइम में, तो पहले 2.5 लाख तक नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% यानी कि 12,500 और फिर 5 लाख से लेकर 6,97,500 तक 20% यानी कि 39,500। तो टोटल टैक्स मिस्टर एक्स का ओल्ड टैक्स रिजाइम में बनेगा 52,000 का। हम लोग 4% सेस की बातें यहां नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में। तो मिस्टर एक्स की GTI न्यू टैक्स रिजाइम में है 11,55,500 रुपए की। उसमें पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 3 लाख से 6 लाख तक 5% यानी कि 15,000, फिर नेक्स्ट 6 लाख से 9 लाख तक 10% यानी कि 30,000 एंड बाकी बैलेंस पर यानी कि 9 लाख से लेकर 11,55,500 तक 15% यानी कि 38,325 रुपये। तो टोटल मिस्टर एक्स का टैक्स न्यू रिजाइम में बनता है 83,325 का। तो आप देख पा रहे होंगे कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में टैक्स आ रहा है 52,000 का, वहीं न्यू टैक्स रिजाइम में 83,325 का। फर्क आपको साफ दिख रहा होगा। ये आपको डिसाइड करना है कौन सा स्कीम आपको ऑप्ट करना है। और मेरे हिसाब से अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है और आपकी कोई डिडक्शन नहीं है तो ही न्यू टैक्स रिजाइम बेनिफिशियल है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फायदा होगा। ये तो थे टैक्स स्लैब्स में बदलाव के अमेंडमेंट जो बजट में बताए गए हैं। थोड़े बहुत और भी अमेंडमेंट्स हैं, जैसे कि अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है और आप न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट करते हैं तो आपकी जो सरचार्ज होगी वो 37% से घटाकर 25% कर दी गई है। इसके बाद जो अमेंडमेंट है वो है कि अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई है और आपको आपकी रिटायरमेंट में लीव इनकैशमेंट मिलता है तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से 25 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है प्रेजम्प्टिव स्कीम वालों के लिए। फ्रेंड्स, सेक्शन 44AD के अनुसार अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो सिंपली 6% या फिर 8% के हिसाब से इनकम ट्रीट कर ले टर्नओवर का एंड उस पर टैक्स अदा कर दे। इस 2 करोड़ की लिमिट को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। वहीं प्रोफेशनल के लिए भी प्रेजम्प्टिव ऑप्शन है सेक्शन 44ADA में, जिसकी लिमिट को 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। सो ये कुछ अमेंडमेंट्स है जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप अपना प्रॉपर इनकम टैक्स फाइलिंग प्लान कर सके। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।